जल्दी है क्या कमियां कुछ आपको लगी जो इसमें अभी एडिट के दौरान आपको सही लगे कि इसमें चेंज कर सकते हैं? नहीं, कुछ नहीं। जो कोई भी फिल्म मेकर, कोई भी प्रोड्यूसर अपनी 100% लगाता है अपने काम में, तो जो भी इंसान फिल्म बनाता है वो पूरी कोशिश करता है कि वो अच्छी फिल्म बने, तो उसमें कमियां ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ये देखना चाहिए कि उसने मेहनत कितनी की। सर, आप बहुत दिनों से ऐसी फिल्में बनाते आ रहे हैं, आपके हिसाब से आजादी का मतलब, असली मतलब क्या होता है? आजादी का मतलब ये होता है कि सिर पे कोई ना बैठा हो। लेकिन कोई तो ऐसी परिभाषा होगी, सिर पे कोई ना बैठा हो, उसके अगर आपको इशारा ही समझ लीजिए आप, मैं जब कह रहा हूँ कि सिर पे कोई ना बैठा हो, बस कुछ हो। थैंक यू, थैंक यू। जी, देशभक्ति के ऊपर है ये। जो आजादी हमें कितनी तकलीफों के बाद मिली है, ये उसकी एक कोशिश की हमने फिल्म बना के पब्लिक ऑडियंस को दिखाने की। काफी दिनों से बन रहे थे, कुछ लेट हो गए? नहीं, ये जो कंटेंट है इसमें कुछ चीजों का चेंजेस किया हमने 2-2.5 साल पहले, उसको रीशूट किया, कुछ चीजें ऐड की हमने, कुछ ट्रैक्स जो हमने सोचे थे उसको डाल के वापस रीशूट करके अभी हम उसको रिलीज कर रहे हैं। बाकी जो दूसरी व्यक्ति कोई आई है, उसे कैसे आप डिफरेंट कहेंगे या क्या अलग है? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री में जो चीज जिसने की है उसे हम हिला नहीं सकते, इसलिए वो अलग नहीं कही जा सकती, क्योंकि अगर भगत सिंह ने कुछ किया है तो वो ही हम दिखाएंगे, जो उसने हिस्ट्री में किया है उसको छेड़ नहीं सकते। चंद्रशेखर, प्रेजेंटेशन एक अलग है, प्रेजेंटेशन जो है उसकी बिल्कुल अलग है, और कंटेंट में हमने बहुत सारी चीजें चेंज करने की कोशिश की, ऐड करने की जो कोशिश की है, जो फिल्म के सब्जेक्ट को और एनहांस करती है, वही हमारी कोशिश है इसके अंदर, वो मुझे पूरी उम्मीद है कि लोगों को पसंद आएगा। भगत सिंह की ही कहानी है, भगत सिंह शहीद उधम सिंह की, इनकी मिक्स कहानी है, जो आजादी के लिए जो उन्होंने जो तकलीफें सही और जिस तरह से देश को आजाद किया, 14 अगस्त को रिलीज है। इसमें तरुण खन्ना, समीप कांग, गौरव घाई, साधिका और युवराज जी, युवराज सिंह जी, गोविंद नाम जी, युवराज जी के फादर, उन्होंने भगत सिंह के फादर का रोल किया है, और गोविंद नामदेव, लाला लाजपत राय का रोल किया है। नहीं, वो तो पंजाब की फिल्मों के बहुत जबरदस्त स्टार है। अच्छा, पंजाबी योगराज सिंह, पंजाबी फिल्मों के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं वो तो। हाँ, तो वो उन्होंने इस रोल को हिंदी फिल्म में फर्स्ट टाइम किया, वो हमारे रिलेशन अच्छे थे, हमने उन्होंने कहा तो उन्होंने बहुत प्राउड फील किया कि मुझे भगत सिंह के फादर का रोल करने मिल रहा है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, उन्होंने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। पीछे गाने भी सब देशभक्ति वाले होंगे? जी, देशभक्ति वाले। कितने हैं? 6 गाने, 6 सॉन्ग्स लक्ष जी ने लिखे हैं और जयदेव कुमार जी ने म्यूजिक दिया, आउटस्टैंडिंग म्यूजिक और आउटस्टैंडिंग लिरिक्स हैं, बहुत जबरदस्त। जी, मेरा नाम तरुण खन्ना है, मैं दिल्ली में पैदा हुआ था, मेरे माता पिता दोनों पार्टीशन से पहले पाकिस्तान में ही पैदा हुए थे, पुरखों के साथ यहाँ आए थे, तो पंजाबी घर में बोली जाती थी, तो किसी भी पंजाबी लड़के के लिए लाइफ में जो सबसे बड़ा हीरो होता है वो भगत सिंह जी होते हैं, तो ये मेरे लिए एक वर्किंग असाइनमेंट नहीं है, मैं और भी लाइफ में बड़े सारे रोल कर चुका हूँ, मैंने टेलीविजन पे रावण का भी रोल किया है, विक्रमादित्य राजा उज्जैन के जो थे विक्रम और वेताल वाले उनका रोल भी किया है, और भी दादा चालुक्य हैं, भरूच नरेश, जब महमूद गजनवी ने जब भारत पे आक्रमण किया था तो वो उन्होंने बचाया था, मैंने ये सब हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स किए, लेकिन जो गरिमा भगत सिंह का रोल करने में है वो किसी में नहीं। जी, ये मेरी पहली फिल्म है, और इसके अलावा मैं एक और हिंदी फिल्म कर रहा हूँ जिसका नाम मैं अभी ले नहीं सकता, वो बहुत बड़ी फिल्म है, ये मूछ मैंने शौक के लिए नहीं उगाई है, इसी फिल्म के लिए है। पंजाबी में मेरी 3 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें से मेरी पहली फिल्म एवरेज थी, दूसरी बहुत अच्छी चली थी और तीसरी बिल्कुल नहीं चली थी, तो आपसे यही उम्मीद है कि आप 2 जो अच्छी चली उन्हें देखेंगे। आए वतन के बारे में क्या कहेंगे? दूसरी जो देशभक्ति वाली फिल्म है, कितनी अलग है, इसका क्या मैसेज?
फिल्म मैं बड़े दिल से बनाई थी। मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, मुझे बाकी लोगों का नहीं पता। देखिए, एक प्रोजेक्ट से ना बड़े सारे लोग जुड़े होते हैं, हर एक का मोटिव अलग होता है। कुछ पैसा बनाने के लिए करते हैं और कुछ लोग अपनी आर्ट को फर्दर करने के लिए करते हैं। कईयों के पास घर से पैसे वाले होते हैं लेकिन वो सिर्फ आर्टिस्टिक नेचर के होते हैं। मैं आर्टिस्टिक नेचर का था लेकिन पैसे वाला नहीं था। मुझे आर्ट भी, अपनी आर्ट की भूख भी मिटानी थी और पेट की भूख भी मिटानी थी। ये फिल्म जो थी, सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मैं जब भगत सिंह दिखूं तो लोग कहें यार भगत सिंह बिल्कुल ऐसा ही रहा होगा। मैं जब भी कोई इमोशन इसमें दिखाऊं तो लोगों को लगे यार ये रोया है। तो असल से मैं ग्लिसरीन यूज नहीं करता, मैं स्टंट डबल्स यूज नहीं करता। मुझे आज भी याद है सॉन्डर्स मर्डर वाला जो हमने सीन शूट किया था पंजाब में, एक जगह से छलांग लगानी थी, सभी आर्टिस्ट ने मना कर दिया था मैं वहां से छलांग नहीं लगाऊंगा। सिर्फ मैंने कहा था सर मैं लगाऊंगा, चाहे उसमें चोट का। मुझे बाद में लोगों ने समझाया कि इसमें चोट भी लगती है, जो अपनी जगह वो लोग सही हैं, लेकिन मैं जिस जज्बे के साथ शूटिंग कर रहा था वो पैसा धंधा नहीं था, वो जज्बा काम का था, आर्ट का था। भगत सिंह की तरफ मेरी ये श्रद्धांजलि थी। तो ये एक तरह से हम लोग भगत सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। थैंक यू।